मुख्यमंत्री कमलनाथ के आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव अचानक से जा पहुंचे और कहा कि हम किसी सीएम से कम नहीं। इस दौरान गोपाल भार्गव ने अधिकारियों की भी क्लास लगाई। आप भी देखिए इस खास रिपोर्ट में। राजनीति में सियासत का तकाजा है कि जो जनता के बीच में रहेगा वह बार बार विधानसभा और सदन की सीढ़ी चढ़ेगा। हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के सागर जिले की रहली विधानसभा की, जहां कमलनाथ सरकार के आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव बिना बुलाए ही पहुंच गए और लोगों को संबोधित करते हुए अफसरों की क्लास लगा दी। जिले का 80% हो सकता हमारे क्षेत्र का और भी ज्यादा हो, लेकिन इस सबके बावजूद मैं आपसे कहना चाहता हूँ, समस्त सरपंच भाई सचिव भाई इस बात को सुन लें। हमने देखा है कि टैक्सी वाले गाड़ियां फोर व्हीलर में जो पाते हैं, गरीबी रेखा की क्या मापदंड है, मोटरसाइकिल ही होना चाहिए। आप बताओ, मोटरसाइकिल नहीं होना चाहिए, उसका पक्का मकान नहीं होना चाहिए, पक्की दीवार के हो नहीं होना चाहिए, और अन्य ऐसे कई सारे मतलब यह है जैसे इसकी इनकम जो होना चाहिए, तो उसकी इनकम इतनी होना चाहिए जो 15% में वो कम रहता है उसको गरीबी रेखा में दिया जाता है। और ये राशन कार्ड का राजस्व विभाग किया जाता है, उनके पास इस तरह जानकारी है कि कितना कितना मतलब उनको इस दौरान गोपाल भार्गव ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि हम मुख्यमंत्री से कम थोड़े ही हैं, वो 144 विधायकों के नेता हैं और हम 108 विधायकों के नेता हैं, और कहा कि मेरे क्षेत्र की जनता है, उसकी तकलीफें मैं हमेशा सुनता रहा हूँ। इस कार्यक्रम में इस वजह से आया कि जनता के साथ न्याय हो सके। आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम आयोजित था, इसमें हितग्राहियों के लिए उनके जो राशि का है, जो चयनित हितग्राही थे और जिनके प्रकरण स्वीकृत हुए थे उनकी राशि का वितरण हुआ है। इसके अलावा अन्य जन समस्याओं का भी निपटारा हुआ है। अभी कुल कितने आवेदन आए हैं और कितने निपटे हैं, इसके बारे में आपको जिला पंचायत जनपद के सीईओ या फिर जो जिम्मेवार अधिकारी हैं वो सब बता देंगे। लेकिन ऐसे शिविर हमेशा उपयोगी होते हैं, सरकार किसी की भी रहे, लेकिन यदि ऐसे शिविर के आयोजन में यदि 150 लोगों का ही भला होता है तो मान के चलते हैं कि ठीक है, आयोजन की एक उपलब्धि है और इसी उद्देश्य आज यहाँ पर इस शिविर में प्रोग्राम देखिए। कोई की शादी नहीं हो रही, ब्याह नहीं हो रहा है, किसी का गंता नहीं हो रहा है। मैं भी यहाँ पे कोई कार्ड नहीं मिला मेरे लिए, लेकिन मुझको लगा कि मेरे क्षेत्र की जनता है जो मुझे प्राणों से भी प्यारी है, और ऐसी जनता के लिए यदि मैं उपस्थित होके 150 लोगों के लिए उनका भला कर सका, उनके काम करवा सका, यदि वो भटकते रहे, भटकना होना नहीं पड़े, इसलिए मैं आया यहाँ पर। मैं तो मुख्यमंत्री के पद के बराबर एक प्रकार से 108 विधायकों का नेता हूँ, लेकिन सबके बावजूद मैं आया बगैर कार्ड के। सूचना जरूर मुझे टेलीफोन से मिली थी, लेकिन मैं बगैर कार्ड के, बगैर निमंत्रण के, बगैर पीले चावल के आया। अब जिसको पीले चावल रखना होगा, कहीं के सरपंच तक हो नहीं, वार्ड मेंबर कहीं के हो नहीं, तो तुम्हें मुख्यमंत्री बराबर तुम्हें प्रचार प्रसार के चाहिए था। प्रचार प्रसार में हम अभी आपचंद में भी हुआ था, उसमें तुम्हें नहीं गया था, लेकिन मैंने जब जानकारी ली तो पता चला कि वो भी सफल नहीं हुआ, जो आयोजन था वो सफल नहीं हुआ। ये आयोजन इसलिए सफल नहीं होते हैं कभी कभी कि लोग सोचते हैं अरे जाने से क्या फायदा, क्या रखा है, कुछ मिलना जुलना नहीं, सुनवाई होना नहीं है, सरकार अपनी औपचारिकता पूरी कर रही है। तो जब लोग जुड़ते हैं अपना दिन भर का समय, आप देखो 350 रुपया दिन कटाई के मिल रहे, और आदमी काम छोड़ के यहाँ आएगा तो कम से कम उसके लिए कुछ तो कुछ हासिल होना चाहिए। इसी दृष्टि से तो आयोजन होना चाहिए, सिर्फ पार्टी वार्टी की बात नहीं, और हमारे मन के अंदर ये भाव नहीं होना चाहिए अरे हमें नहीं बुलाया, अरे हमें कौन सा बुलाया है, सब हमारे कौन से हल्का बड़ी खाने के लिए बुलाया। लोगों के लिए यदि मन के अंदर ये भाव है कि हमें लोगों की मदद करना है और लोग हमारे अपने हैं, तो फिर इसमें कहीं कोई निमंत्रण की जरूरत नहीं। आपकी सरकार आपके द्वार का यह कार्यक्रम रहली विधानसभा के छिरारी गाँव में सम्पन्न हुआ,
जहां इस कार्यक्रम में आरोप लगे कि इसका कोई प्रचार प्रसार नहीं हुआ है। कांग्रेस नेता ज्योति पटेल और शासकीय अधिकारियों ने इस कार्यक्रम के बारे में कमलनाथ की जमकर तारीफ की। छिड़ारे गांव में कार्यक्रम रखा गया था, अभी तक शिविर चल रहा है हमारा, लगातार चलता रहेगा। अभी तक 300 आवेदन पत्र प्राप्त हो चुके हैं जिनका निराकरण अभी मौके पर किया जा रहा है। जो भी समस्याएं थी उनको सुना गया है, मेडिकल कैंप भी लगाया गया है। जिन लोगों के पास कागज नहीं थे या लिखना नहीं जानते थे, उनको लिखवाने की व्यवस्था की गई है और लगातार काम चल रहा है। लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया। देखिए, ये 5000 की भीड़ प्रचार प्रसार का ही प्रतीक है। यदि प्रचार प्रसार नहीं हुआ होता तो 5000 की भीड़ यहाँ पे नहीं आती। प्रचार प्रसार हुआ है, अच्छे से हुआ है और सफल कार्यक्रम है। देखिए, आज बहुत खुशी की बात है कि हमारी कमलनाथ जी की सरकार, हमारी कांग्रेस की सरकार हर गांव-गांव में, हर माह में लगभग ब्लॉक में दो जगह आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से। क्या होता था पहले, लोगों को भटकना पड़ता था, हितग्राहियों को भटकना पड़ता था, जनपदों के चक्कर लगाने पड़ते थे, तहसील के चक्कर लगाने पड़ते थे, परंतु आज हमारी कमलनाथ सरकार ने ये सुविधा दी है लोगों को कि पूरे आज पूरा ये गांव देख रहा है कि पूरे सागर जिले के अधिकारी, तहसील के अधिकारी, नहली के अधिकारी, सारे अधिकारी हितग्राहियों की समस्या को सुनने के लिए उनके द्वार, उनके घर, उनके गांव पर आए हुए हैं। और मेरा मानना है कि निश्चित रूप से इससे वृद्ध महिलाओं को, वृद्ध पुरुषों को, विकलांगों को इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पर सबकी समस्याओं का समाधान होगा। कुल मिलाकर आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में गोपाल भार्गव की मौजूदगी और उनके बयान से सियासत गर्म हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, सागर।